गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। मैं निशा माइकल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपको पाठ 20 बालक गोपाल इस पाठ के प्रश्न उत्तर कराऊंगी। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने पाठ 20 के सारे अभ्यास कार्य को किया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 20 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पलाश की कॉपी निकालेंगे, आज की डेट डालेंगे और हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, अध्यापक ने बच्चों को क्या काम दिया था? अध्यापक ने बच्चों को क्या काम दिया था? पहला प्रश्न के लिए अध्यापक ने बच्चों को गणित का एक सवाल, एक प्रश्न हल करने के लिए दिया था। तो हम आंसर लिखेंगे, अध्यापक ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने को दिया था। अध्यापक ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने को दिया था। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 उतारेंगे कॉपी में। गोपाल की कॉपी देखकर अध्यापक क्यों प्रसन्न हो गए? प्रश्न नंबर 2 है, गोपाल की कॉपी देखकर अध्यापक प्रसन्न हो गए? क्यों प्रसन्न हो गए थे गोपाल की कॉपी देखकर अध्यापक? क्योंकि गोपाल का उत्तर बिल्कुल सही था। तो आप उत्तर लिखेंगे, क्योंकि गोपाल का बिल्कुल सही था। क्योंकि गोपाल का उत्तर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। गोपाल ने रोते हुए क्या बताया? गोपाल ने रोते हुए क्या बताया? प्रश्न लिखेंगे, गोपाल ने रोते हुए क्या बताया? गोपाल ने रोते हुए क्या बताया? इसका आंसर लिखेंगे, क्या बताया था गोपाल ने रोते हुए? गोपाल ने रोते हुए बताया, गोपाल ने रोते हुए
मेरे भाई ने हल किया है, हल किया है। क्या बताया था गोपाल ने रोते हुए? गोपाल ने रोते हुए बताया कि इस प्रश्न को मेरे भाई ने हल किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, गोपाल को मार क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं पड़ी थी गोपाल को मार? सच बोलने के कारण। पहले प्रश्न उतारेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, गोपाल को मार क्यों नहीं पड़ी? गोपाल ने अपने भाई, गोपाल के भाई ने उसका होमवर्क किया था, उसके बाद भी उसे मार क्यों नहीं पड़ी थी? क्योंकि उसने अध्यापक को सच बता दिया था, इसलिए सच बोलने के कारण उसको मार नहीं पड़ी। तो आंसर लिखेंगे, सच बोलने के कारण गोपाल को मार नहीं पड़ी। सच बोलने के कारण गोपाल को मार नहीं पड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, बालक गोपाल का पूरा नाम क्या था? कॉपी में लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, बालक गोपाल का बालक गोपाल का पूरा नाम क्या था? बालक गोपाल का पूरा नाम क्या था? उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, बालक गोपाल का पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। क्या नाम था बालक का पूरा? बालक गोपाल का पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। बालक गोपाल का नाम बालक गोपाल कृष्ण गोखले था। क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखिए। और उसके बाद एक एक्सरसाइज और है आपकी बुक में, सबसे लास्ट में दी हुई है, कुछ हटके करें। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, देश का सिर ऊंचा करने वाले महापुरुषों के चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। क्या करना है हमें, यहाँ कुछ महापुरुषों के चित्र दिए हुए हैं, हमें उनको चित्र उनके चित्र को पहचान कर उनके नाम को लिखना है। तो प्रश्न उत्तर लिख लिए सभी बच्चों ने कॉपी में। अब हम लास्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे, पिक्चर एक्सरसाइज, जो हमें चित्र देखकर चित्र में दिए गए महापुरुषों के नाम लिखने। तो पहला चित्र जो आपको दिया हुआ है ये है महात्मा गांधी का। तो इनका नाम लिखेंगे चित्र के नीचे, महात्मा गांधी। उसके बाद अगला चित्र है भगत सिंह, इस चित्र के नीचे लिखेंगे भगत सिंह। उसके बाद नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और लास्ट में
जो चित्र दिया हुआ है ये चित्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो उस चित्र के नीचे लिखेंगे पंडित जवाहर लाल नेहरू। पहला चित्र महात्मा गांधी का, दूसरा चित्र भगत सिंह का, तीसरा चित्र सुभाष चंद्र बोस का और चौथा चित्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब आप अपना होमवर्क पूर्ण कीजिए। होमवर्क में आपको लर्न करना है, लर्न डिक्टेशन वर्ड्स फ्रॉम 1 to 30। 1 से लेकर 30 तक डिक्टेशन वर्ड आपको लर्न करते हैं। थैंक यू।